सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल एंड यू आर वाचिंग जोजो मोटो ब्लॉग्स। तो फाइनली अपनी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब स्टार्ट होने लगी है। जो प्रॉब्लम मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताई थी वो ठीक हो गई फाइनली, कुछ नहीं कराना पड़ा है, ना मैकेनिक को दिखाना पड़ा ना शोरूम लेके जाना पड़ा, अपने आप ठीक हुई है। तो मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई थी और किस वजह से सेल्फ नहीं काम कर रहा था और इस पे लो ऑयल प्रेशर का इंडिकेटर क्यों आ रहा था। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। और कुछ भाई लोगों के कमेंट्स आए थे कि स्टैंड पे खड़ी है इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही, चूतिया मत बनाओ वीडियो पे, तो उसके बारे पे भी मैं आऊँगा। अभी इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई उसके बाद मैं इसके बारे में भी बताऊँगा। जो लोग बोल रहे थे कि साइड स्टैंड में खड़ी है इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही है, चूतिया बना रहे हो, ये वो, तो सारा कुछ मैं अभी बताऊँगा इस वीडियो पर, तो बने रहें। और मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो और बताता हूँ आपको डिटेल से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि दो दिन पहले मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी। वो प्रॉब्लम क्या हुई थी, काम करना बंद हो गया था पूरी तरीके से, सेल्फ नहीं वर्क कर रहा था और मीटर पे लिख के आ रहा था लो प्रेशर ऑयल, मतलब इंजन ऑयल कम है। तो ये दो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन में आ गया था यार कि अभी नई गाड़ी थी और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मतलब बैटरी नहीं काम कर रही, सेल्फ नहीं ले रहा, स्टार्ट नहीं हो रही, धक्का मार के थोड़ी मैं स्टार्ट करता रहूँगा। तो मैंने शोरूम वालों से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि सर अब ऐसे कैसे हम बता सकते हैं, आप शोरूम लेके आ जाइए तो हम बाइक आपकी देख लेंगे, फिर आपको बता देंगे जो भी प्रॉब्लम होगी वो ठीक करके देंगे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं फ्री होता हूँ तो फिर आऊँगा। तो मैंने उनसे बात की, फिर मैंने काफ़ी ट्राई किया वीडियो बनाने के बाद भी लेकिन स्टार्ट नहीं हुई, तो मैंने खड़ी कर दी। मैंने पल्सर अपनी दूसरी बाइक यूज़ की, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग पे बाइक खड़ी थी, मैंने चाबी लगाई और मेरे को लगा शायद स्टार्ट हो जाए, यार शायद भगवान का नाम लिया, मेरे को शायद स्टार्ट हो जाए, शायद थोड़ी मोड़ी फॉल्ट रहा हो तो ठीक हो गया हो अपने आप खड़े खड़े। लिटरली बता रहा हूँ, चाबी ऑन लगाई मैंने और जैसे किल स्विच ऑन करके मैंने प्रेस किया सेल्फ, सच में बता रहा हूँ गाड़ी स्टार्ट हो गई। मेरे को बहुत खुशी हुई यार कि पैसे बच गए और अब मैं चला पाऊँगा, शोरूम नहीं लेके जाना पड़ेगा। फिर बंद किया, फिर स्टार्ट किया, तो मतलब जितनी बार भी मैंने बंद करके स्टार्ट किया स्टार्ट होने लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी दोबारा। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अभी एक आपको बता दूँ बात कि जब ये मतलब बंद ये जो प्रॉब्लम इसमें मैंने फेस की थी उससे आधे घंटे पहले जब मैं घर आ रहा था तो एक मुझे 1.5 से 2 किलोमीटर का एक ऑफ रोड रोड मिला था, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। ट्रक निकलते जहाँ से तो मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढे थे, पानी बरसात है तो पानी भरा हुआ था, तो वहाँ पे मेरी रफ्तार 15 से 20 तक ही जा पा रही थी, मतलब और 15 से कम ही थी, 8-10 की रफ्तार पे जा पा रही थी। तो मेरी गाड़ी 3 से 4 दफ़े हीट हुई थी वहाँ पे और रेगुलेटर फैन उसका ऑन हुआ था और इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे 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 वेब टाइप की रोड थी, बहुत ही ज़्यादा गड्ढे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वहाँ पे चलाने से हीट हुआ इंजन और इसके अंदर जो सेंसर लगा होता है वो सेंसर का एरर आ गया उस सेंसर पे और एरर की वजह से यहाँ पे वो लो फ्यूल प्रेशर का इंडिकेटर देने लगा और इसी रीज़न से सेल्फ काम करना बंद कर दिया, मुझे जहाँ तक लगता है। बिकॉज़ अगर कंपनी को दिखाते तो वो कुछ ना कुछ बताती, लेकिन मुझे पर्सनल मुझे जैसा मैं फील कर रहा हूँ और जैसे मुझे लगा और जैसे मैंने देखा तो मुझे यही लग रहा है कि इसमें जो है जो इसका सेंसर है सेंसर एरर हुआ, उसकी वजह से लो फ्यूल प्रेशर दिखाने लगा और सेल्फ स्टार्ट बंद हो गया, जहाँ तक मुझे लगता है उस ऑफ रोड में जैसे गाड़ी चली उस हिसाब से। बिकॉज और कोई रीज़न नहीं कह सकते, बिकॉज अभी सर्विसिंग के भी इसमें ना 5 से 6 महीने कह सकते हैं बचे हैं, 6 महीने भी नहीं कह सकते, तो अभी सिर्फ 4000 किलोमीटर चली है, 2000 किलोमीटर अभी भी बचा है, चलो 5000 पे करा लेंगे, 1000 किलोमीटर बचा है। तो इतनी जल्दी ऑयल नहीं कम होना चाहिए और मैं इतना लॉन्ग रूट पे नहीं लेके जाता हूँ अपनी बाइक को कि बहुत दूर लेके जाऊँ तो इतना जल्दी कुछ हो जाए, नॉर्मल 2 से 4 किलोमीटर चलती है। तो मोवियल कम होने का तो कोई ऐसे सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मोवियल कम है इसलिए लो फ्यूल इंडिकेटर सॉरी लो ऑयल प्रेशर दिखा रहा है। लो ऑयल प्रेशर का एक ही मतलब था कि इसका मीटर एरर आ गया था। और मैं थोड़ी सी पहले की क्लिप डाल के दिखाना चाहूँगा, जब जब मैं इसको की को ऑन करता था तो ये जो आरपीएम आप देख रहे हैं ये जो आरपीएम है अभी 0 हो रहा है, लेकिन उसमें क्या था आरपीएम 10,000 9,500 पे ही रुक के रह गया था। ये आप मैं अभी वीडियो अटैच कर दूंगा उसमें, तो आप देखिएगा कि उस वीडियो में क्या है, तो न्यूट्रल है, साइड स्टैंड का शो कर रहा है इंडिकेटर, किल स्विच ऑन कर दिया, ओके किल स्विच ऑन करने के बाद अगर मैं इसमें लेता हूँ सेल्फ तो ये सिर्फ एक आवाज़ आएगी किट से और कुछ नहीं होगा, ये आई आवाज़ बस इतना हो रहा है, ये सिर्फ किट किट की आवाज़ आ रही है और लो ऑयल प्रेशर वहाँ पे लिख के आ गया है। तो ये मैं
अभी पिछले आधे घंटे से ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, और ऐसा जो RPM है RPM तक लैक हो गया था, मतलब एरर आ गया था, इसमें भी ये भी रुक गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो है सेंसर एरर की वजह से ही हुआ था, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो खड़े खड़े नहीं स्टार्ट होती, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि बाइक अगर कोई मेजर प्रॉब्लम होती, सेंसर ख़राब हुआ होता या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम होती, कम होता ऑयल, कम होता उसका इंजन ऑयल कम होता, तो ऐसे ही स्टार्ट नहीं होती, अपने आप स्टार्ट होगी। एक भाई का कमेंट्स आया था कि सेम मैं भी फेस कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम, क्या हो रहा है कि मीटर पे लो ऑयल प्रेशर का इंडिकेटर आ रहा है। तो मैं उससे बता दूँ भाई कि दो तीन दिन तक खड़ी रखो, शायद ठीक हो जाए। जहाँ तक मेरी गाड़ी ऐसे ही ठीक हुई है, मैंने यूज़ नहीं की, खड़ी ही थी तो अपने आप ही ठीक हुई है, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है इस पर। और हाँ, बहुत से लोग कह रहे थे कि साइड स्टैंड पे खड़ी किए हो तो गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी, चूतिया मत बनाओ वीडियो पे। तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा, 1 मिनट साइलेंस फॉर दोज पीपल हु थिंक्स KTM बाइक्स नॉट स्टार्ट व्हेन साइड स्टैंड इज डाउन। लिटरली डूड, तुम्हें ऐसा लगता है कि KTM बाइक्स नहीं स्टार्ट होती जब साइड स्टैंड लगा होता है, या फिर और भी कोई सुपर बाइक्स नहीं स्टार्ट होती जब साइड स्टैंड लगा होता है? चलो आज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ स्टार्ट होती है कि नहीं होती साइड स्टैंड लगे होने के बाद। मैं न्यूट्रल करता हूँ, ये न्यूट्रल हो गई, स्टैंड पे खड़ी है, देख लो कोई नहीं पकड़े हुए, दिख रहा है ना। खासकर उन लोगों के लिए है ये वीडियो जो बोलते हैं कि साइड स्टैंड में खड़ी थी इसलिए नहीं स्टार्ट हो रही थी। तो देख लो, मैंने उनको रिप्लाई भी किया था, उसके बाद भी देख लो कि कैसे स्टार्ट होती है। ऐसे स्टार्ट होती है, देख लिया, ये लगा स्टैंड, दिख रहा है स्टैंड, ये लगा स्टैंड, बाइक स्टार्ट है, दिख रही है बाइक स्टार्ट? नहीं दिख रही तो रैप करके दिखा दूँ, अब दिखा। तो मैं कहना चाहूँगा कि यार कमेंट्स करो, लेकिन नॉलेज हो तब कमेंट्स करो, फालतू की बकवास नहीं करो। अगर नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है किसी चीज़ के बारे में, फालतू में बोल रहे हो ऐसे हीरो बनने के चक्कर में कि अरे यार स्टैंड लगा है तो कैसे स्टार्ट होगी, स्टैंड ऊपर करो। तो भाई अगर स्टैंड लगे पे स्टार्ट नहीं होगी तो जब आप बाइक निकालोगे कोल्ड स्टार्ट के लिए, खड़ी करोगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, तो क्या उसमें बैठ के ही स्टार्ट करोगे उसको, या फिर डबल स्टैंड लगाओगे? साइड स्टैंड तो होना चाहिए ना। तो मैं बता दूँ, ये सिर्फ KTM में नहीं, जितनी भी बाइक है दुनिया में सब साइड स्टैंड पे लगी हुई स्टार्ट हो जाती है। इवन सुपर बाइक, जो सुपर बाइक है BMW 1000 RR, ZX10R, हायाबूसा, G900, जितनी भी सुपर बाइक्स हैं सारी स्टार्ट हो जाती हैं स्टैंड पे ही, न्यूट्रल होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टैंड लगा होगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, तो थोड़ा जाके नॉलेज ले लो उसके बाद आओ। ये गियर पड़ा है, अब मैं प्रेस करूँगा, नहीं स्टार्ट होती। लुक, अगर मैं क्लच भी प्रेस करूँ तब भी नहीं स्टार्ट होगी। तो यार थोड़ा नॉलेज ले लिया करो, उसके बाद कमेंट्स किया करो। ऐसे आके तुरंत पेल देते हो कि साइड स्टैंड लगा है, चूतिया बना रहे हो तुम वीडियो पे, कुछ नहीं हुआ है, तो मुझे क्या मतलब है यार ऐसी वीडियो बना के कि मैं जानबूझ के ख़राब करूँ अपनी बाइक को फिर वीडियो बनाऊँ तुम्हारे देखने के लिए? ऐसा नहीं है। हाँ, तो मतलब थोड़ी समझ सूझ के कुछ नॉलेज लेके उसके बाद किया करो यार कमेंट्स। और अभी एक दफ़े मैं और स्टार्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि संतुष्टि ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूट्रल दिख रहा है, साइड स्टैंड डाउन, पढ़ लो अच्छे से अगर पढ़ना आता हो, जो साइड स्टैंड डाउन ये है, स्टार्ट हुई, हुई स्टार्ट। तो नेक्स्ट टाइम से किसी भी वीडियो पे जाना देखना तो थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लेना, उसके बाद ही कमेंट्स करना कि ये है, तब सामने वाला रिस्पेक्टफुली कहेगा कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है। फालतू में आकर कहोगे चूतिया बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, साइड स्टैंड तो ऊपर कर ले, ये कर ले, तो इससे कुछ नहीं होता है। पहले देख लो, सीख लो, उसके बाद आओ, ठीक है? तो अब शायद ही जो जिन लोगों के डाउट रहे होंगे दिमाग में कि साइड स्टैंड में जब KTM खड़ी होती है तो स्टार्ट नहीं होती, देख लो स्टार्ट होती है। स्टार्ट कब नहीं होती? जब गियर में पड़ी होती। ये सेफ्टी फीचर इसीलिए दिया गया है कि आप जल्दबाजी में आके स्टार्ट करो, अगर ये स्टैंड लगा हुआ है तो गियर डालोगे तो बंद हो जाएगी, और गियर में पड़ी है और स्टैंड लगा है तो बिना स्टैंड ऊपर किए नहीं स्टार्ट होगी। तो ये इसलिए होता है, ना कि ये मतलब गाड़ी ही नहीं स्टार्ट होगी अगर स्टैंड में लगा है, न्यूट्रल कर दो उसके बाद भी, तो ऐसा थोड़ी होता है यार। तो ये प्रॉब्लम जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताई थी कि मेरे साथ हुई है, ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हुई है। कोई मैकेनिक मिस्त्री को नहीं दिखाना पड़ा, ना शोरूम लेके जाना पड़ा, सिर्फ खड़ी थी ये, एक दिन तक पूरी रात खड़ी रही। मॉर्निंग पे ही मैंने ट्राई किया कि स्टार्ट करूं और कुछ नहीं किया, ये प्रेस किया और स्टार्ट हो गई। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं थैंक्सफुल हूँ इस गाड़ी का जो अपने आप स्टार्ट हो गई, खर्चा बचा लिया,
और मैं 100 किलोमीटर जाता अगर शोरूम लेके जाना पड़ता तो उसका भी टाइम बच ही गया एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये अभी मैंने स्टिकर लगवाया है, आज ही लगवाया है। इससे पहले ये लगा हुआ था तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो जो अपना दोस्त है जिसने स्टिकर लगाया है तो इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा दिया, कह रहा है लगा ले इसको ऐसे ही और जब मन करे तो निकाल देना, और यहाँ पे नया लगा दिया। तो यहाँ पे लगाने का क्या है कि टैंक पैड में अभी मंगा नहीं पा रहा था तो मैंने सोचा यार ये जो आपको आउटलाइन दिख रही होगी इसके अंदर जो एक चिपका होता कंपनी से आता वार्निंग और वेट का और काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती हैं इसमें, तो बेल्ट क्या होता है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हल्का सा, तो यहाँ पे क्या है ना स्टिकर जो था बेल्ट की वजह से पैंट को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन वो स्टिकर निकल गया था यहाँ से, तो मुझे लगा था कि अगर ऐसे ही लगा रहा तो ये पैंट भी निकालेगा, पैंट भी इससे ख़राब हो सकता है बेल्ट के बक्कल से, तो मैंने इस पर यहाँ पर ये लोगो लगवा लिया है जो कि ठीक लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। और उसने जो है मैं कह रहा था नहीं लेकिन उसने कह रहा अरे अच्छा लग रहा है, इसने यहाँ पर लगा दिया, इसको निकाल दूंगा मैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और जिस भाई को भी ये प्रॉब्लम आ रही हो लो फ्यूल प्रेशर की और स्विच की तो कुछ दिन उसको खड़ी कर दें एक दो दिन के लिए घर पे, शायद ठीक हो जाए अपने आप, नहीं ठीक होती तो फिर आप शोरूम पे जाके दिखा ही सकते हो, क्या कर सकते हो फिर, क्योंकि इसका ना सेंसर कभी कभी एरर आ जाता है। अब सेंसर वाली गाड़ियाँ तो सेंसर एरर आना कोई बड़ी बात नहीं बिकॉज बारिश का भी सीज़न है इसलिए। तो अगर कोई नई ऑडियंस देख रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज 95% जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो नहीं है, सिर्फ 5% मेरे सब्सक्राइबर है, बाकी 95% ऐसे लोग देखते हैं मेरी वीडियो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और इस बाइक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, ब्लॉगिंग देखने के लिए, रिव्यू देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। और साइड स्टैंड पर लगे हुए भी बाइक स्टार्ट हो जाती है, वो वीडियो चूतिया बनाने के लिए नहीं थी लेकिन आप बन जाते हो तो मैं क्या करूं यार, मेरी गलती नहीं है, साइड स्टैंड पे भी स्टार्ट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्टे ट्यून, जल्द ही न्यू वीडियो पे मिलते हैं।